मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th, सब्जेक्ट पंजाबी। स्टूडेंट्स, आज आप 12th चैप्टर करांगे बाल बरे दा हीरो। इसे लेखक का नाम की है संतोख सिंह तीर। उसकी उम्र इस समय कोई 8 बरे की होगी। पतला अते नकवाया जिहा वो रेल के डब्बे विच चुफाल लेटिया होया सी। फर्श ते पिट परने उसदियां लत्तां आप मुहारियां दूर तक फैलियां होईयां सन। इसे तरह ही बाहां भी जिवें ओह मरिया पिया होवे। कहिंदे कोई 8 बरे दा लड़का सी जो कि ट्रेन दे विच लेटिया होया सी, जिवें कि ओह मरिया पिया होवे। इस कंडीशन च पिया सी। कुछ टीचरां रेल दे इस डब्बे विच आ गईयां। उसने उन्होंने उसनों वेख्या। उसकी हालत वेख के एकदम घबरा जी गईयां। हैं ये कौन है, ये चुफाल क्यों पिया है, बेचारा किवें पिया है, जिवें मरिया पिया होवे। देखो तो जिउंदा भी है, पर वह सह लै रहा सी। उसकी छाती हौली हौली हेठा उत्ते हो रही सी। शुक्र है सह तो लै रहा है, टीचरां नूं चैन आई। उसके पेड़ के खब्बे वाल एक रबड़ जिही बन्नी हुई सी जो उफनी उफनी दिसदी सी, जिवें उसके पेड़ ते किसी ने कोई पट्टी जिही बन्नी होवे। रबड़ दी इह उफन जी लुस लुस कर रही सी। भैन जी, सवेर तो ही इवें लेटिया होया है इस डब्बे विच इस थां, एक मुसाफिर बोलिया। मैं सवेरे इस गड्डी विच हुशियारपुर नूं गया सी। इसे तरह ये डब्बे विच हुशियारपुर नूं चलिया गया ते अपना काम मुका के मैं इहो गड्डी फड़ लई। कुदरती मैं इस डब्बे विच ही बैठ गया। डब्बे विच उवें दा चुफाल लेटिया होया है जिवें जलंधर तो हुशियारपुर नूं गया सी। देखो ये मुंडा है, एक भैन जी आखन लगी, पर यह आखिर है कौन, वह आपस विच कह रही सन। पुछो तो सही, ये कौन है, क्यों इत्थे पिया है, बीमार है जां कोई और गल है। एक भैन जी तरस खा के उसनूं पुछना चाहन लग पई। लगभग इन्नी की उम्र दा ही उसका अपना पुत्तर सी जो कल्पना विच ही पल पल लई उसकी थां आ गया सी, जे ओह इवें ही लेटिया हुंदा। एक लेडीज़ ने उसनूं पुछया, क्योंकि उसका पुत्तर आप भी 7-8 सालों का सी, उसनूं उसकी इमेजिन कल्पना दे विच अपना पुत्तर दिखण लग पिया। एक टीचर सीट तो उठ के उसके लागे गई, उसनूं कुछ हलूनिया ते जागण लई प्रेरिया। उसने बड़ी ही बेमलूमी हल्की जी ओख उघाड़ी, अख उघाड़ी। जो उसनों एक टीचर ने हिलाया तो वह थोड़ा जा उसने अख खोली। टीचर उसने पूछन लगियां, लड़के तू कौन है बई। लड़का कुछ नहीं बोलिया। क्यों बई, तू कौन है, लड़के कितने का रहने वाला है। उसने अख उघाड़ी तो हौली जी जवाब दिता, लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ का, हाँ। नाम क्या है तेरा। प्रवीण कुमार शर्मा। अच्छा, शर्मा ना है, ना तो बहुत अच्छा है। माँ बाप कहाँ है तेरे। उन्होंने पूछा, पहले उन्होंने पूछा तेरे तू कितों, कहना लखनऊ तो। पूछा नाम क्या है, कहता प्रवीण कुमार शर्मा। फिर कहते तेरे माँ बाप कहाँ है, वो कहना माँ बाप, हाँ माँ बाप नहीं है। क्यों, उनको क्या हुआ। रेल के नीचे कट गए थे। रेल के नीचे कट गए थे, कहना मेरे माँ प्यो नहीं, वो रेल के नीचे कट के मर गए सन। सुनते सर टीचर जिम्मे थरथोला चढ़ गया। फिर पूछा और कोई रिश्तेदार नहीं। उस तो बाद में मेरठ अपने मामा के पास चला गया, फिर वहाँ से चला आया। क्यों, वहाँ से क्यों चला आया। मामा ने मुझे रखा नहीं, बोला जहाँ से चले जाओ। फिर मैं वहाँ से चला आया, कहता फिर मैं अपने मामा को चला गया, पर मेरे मामा ने मैंने नहीं रखा। वो कहता यहाँ से चले जाओ। आजकल कहाँ रहता है आजकल। इस तो अगे उन्हें कोई जवाब नहीं दिता, एवें ही बस गाड़ियों में, हाँ बस ऐसे ही। ये सुन टीचर खामोश जियाँ हो गई। फिर उसके पेट वाल इशारा करके बोलियाँ, जो पेट पर क्यों बांधा है, क्या बांधा है। जख्म है, जख्म, हाँ जख्म कैसे हो गया, दिखाओ जरा। उसने ओइनी उफनी उफनी रबड़ जिही पास से किता। उफ, हेठा लाल रंग का कापा खुलिया पिया सी जो देखिया नहीं जाता सी। जख्म विचों अंदर का गुच्छा जहा भी दिसदा सी। ये जख्म कैसे हो गया, मैं दिल्ली था, मेरे पेट में दर्द होने लगा, मैं हस्पताल चला गया। डॉक्टर बोला पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन कर दिया। फिर तू कैसे आ गया, आराम होने से आना था। डॉक्टर बोला पैसे लाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं वहाँ से चला आया। टीचर हैरानी ना एक दूजे वाल तकन लगियाँ। कुछ कचर फिर चुप रही हैं, फिर बोलियाँ तुम्हें भूख भी लगी होगी। हाँ भूख तो लगी है। एक कोल अमरूद सन, एक कोल डबल रोटी, 2-3 स्लाइस सन। हुण थोड़ा जिहा उठा तो बैठा हो गया। उसने अमरूद के स्लाइस उसनों खाण दे दिते। दुनिया भी सारे लोग इको जे नहीं होंगे। जिथे कुछ लोगों में इंसानी तो दुख दर्द की काफ़ी मात्रा होंगी है, उत्ते कुछ अजे भी होंगे जो यही नियामतों तो उक्का कोरे होंगे। डब्बे में इस किस्म के भी कुछ लोग बैठे सन जो गरीब मुंडे ते टीचरां नूं औरतां नूं वेख के लाचड़ गए। उन्हां विच इक बोलिया जूस पिलाओ जूस, इहनूं वधिया जिहा एप्पल जूस। सैंडविचा दिओ इहनूं अंडियां दीआं तहां वालियां। ही गंदा ते गलीज गासा चिक्कड़ वांगू उड़न लग पिया, जिवें जूस जां सैंडविच उसदा हक ही नहीं हुंदा। इस गलीज हादसे कोलों टीचर ने अपने आप नूं बिल्कुल पाक ते साफ रखिया, जिवें उन्हां नूं किसे कुत्ते दे भौंकण दी आवाज़ सुनी ही नहीं।
टीचर ने अगे पा ली इस निवान के हमले जिसनों अखों परोख्या किया तो उस मुंडे फिर पूछया, अब तू कहाँ जाएगा, जाना कहाँ है, ऐसे गाड़ी में ही रहेगा। मुंडा हूँ खामोश रहा। उसने उन्होंने अगे पूछ की, खाना कहाँ से खाता है, क्या मांग कर खाता है? नहीं, मैं मांग कर नहीं खाता। फिर कैसे खाता है? अपने आप को ही दे दे तो, जैसे हमने दे दिया। हाँ, जैसे आपने दे दिया। जलंधर शहर आया, इतने गड्डी खत्म सी, टीचर ने उतर लेना सी। ये टीचर इतों रोज़ बोली ने जांदियां सन, उतों अगे नेड़े तेड़े पिंडां विच स्कूल विच सन। छुट्टी वेले वो बोली ने अप्पड़ जांदियां, अज वो बोली नहीं तो इस डब्बे चढ़िया सन। कदे कदे रेल की थां बस राही भी जांदियां सन, जो जद भी ठीक रहिंदा। देव ने इहदियां गल्लां सन, शायद इस पिछले जन्म का लैना देना शामिल होवे। सुभ नाल ये टीचर इस डब्बे विच बैठ गईयां। गड्डी विच लत्तां ते बाहवां नूं पसारे पए मुंडे वल नज़र गई। ये की है, मुंडा किवें पिया है? फिर एक नूं उसने हान हलान पुत्र याद आया, ये तो उहदे वर्गा है जे वह इवें ही लेटिया हुंदा। गड्डी खाली हो चुकी सी, पर ये टीचर अजे भी बन्नन जिहे वज्जियां होईयां सोच विचार कर रही सन कि उसनूं इत्थे छड्ड के जाना मुश्किल जापदा है। काका, हुण तूं कित्थे जाएगा? मैंने कहाँ जाना है जी, तेरा तो जख्म खराब है बहुत। हाँ, बहुत तो है जी। ऐ कर काका, तू पिंगलवाड़े चलिया जा, इत्थे पिंगलवाड़ा है, नाले तेनू रोटी मिलू, नाले तेरा इलाज हो जू। ठीक है, ठीक है जी, चल बाहर, असी तेनू रिक्शा ते भेज दें, उत्थे तू ठीक रहेगा। वह बाहर पहुँच गए। उन्होंने बाहर उन्होंने एक दो रिक्शा वाले इधर उधर आ खलोए। टीचर ने एक जवान रिक्शे वाले नूं आख्या, भाई ये मुंडा है, इसे ढिड ते जख्म है, बेचारा बहुत गरीब है, यदा कोई भी नहीं, पिंगलवाड़े छड़ना पुन का ही काम है, समझ। पुन पुन नूं छड्डो भैन जी, मैं तो पैसे लऊंगा, पुन पुन नहीं हुंदा मित्र, असीं मुफ्त दा लियान नहीं आखदियां, पैसे असीं देंगे। पुन की गल तो तैनू असीं इसलिए कहिंदियां हाँ बई, तू बस इसनूं पहुँचा देवी, क्योंकि न्याणा है, तरस वाली गल है, जिवें पहुँचा दें जरूर पहुँचा देंगे, तुसीं फिकर ना करो। किन्ने पैसे लवेंगा? आम तो 3 रुपये लैंदे आ, ये बीबी तुसीं घट दे दिओ। भाई ये दुखी है, भार भी इहदा की नाले है, भार वाली गल नहीं बीबी जी, जाना तो उन्नी दूरी है, भाई 2 रुपये लै लै, चलो भाई 2.5 दे दिओ। भाई ये तो असी देने ने, 2 तो घट है बीबी जी, भाई कुछ थोड़ा तू भी कुछ समझ लै, चलो 2.25 दे दौ। टीचर 3 जनियाँ सन, किसी ने घट किसी ने बद, उन्होंने 2.25 रुपये रिक्शे वाले ने दिते हुए कहा, भाई इसनों पहुँचा देवी, देखी कितने रस्ते ही ना इनू उतार दें, साढ़े कोल इन्ने पैसे ही नहीं सन, नहीं तो असी होर दे दिंदियां। नहीं बीबी जी, फिक्र ना करो, रस्ते विच नहीं लाउंदा, एन सिरे पहुँचाऊँगा। उसने रिक्शा कतोरिया। अगले दिन टीचर ने उस मुंडे बारे पता किया, पता लगा पिंगलवाड़े मुंडा पहुँचे ही नहीं, कित्थे सी इस संबंधी किसी नूं पता ही नहीं सी। बेटा कहानी समझ आई तुहानूं? एक लड़का सी जो कि ट्रेन दे विच पिया सी, उस ट्रेन दे विच ही कुछ टीचर्स आते सी, उन्होंने टीचर ने उस लड़के को पूछा, तू कहाँ से है? वो कहन, मैं लखनऊ तो है, मेरा नाम प्रवीण शर्मा है, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं मामा जी को रहता सी, बट मेरे मामा जी ने मैनू घरों काट दिता। वो कहें, हूँ तू कितने रहना है? कहना, मैं कितने भी नहीं रहना, ट्रेन च रहना। वो कहें, तू आए कर, साढ़े पिंड विच पिंगलवाड़ा है, तू उत्थे चला जा, उत्थे तेरी केयर भी हो जाएगी, तेरा जो जख्म है ये भी ठीक हो कर देंगे। वो कहना ठीक है। उसने रिक्शे वाले ने उन्होंने पैसे दे के उसने नाल भेज दिता, पर उस रिक्शे वाले ने उसनों पिंगलवाड़े नहीं भेजे, पता नहीं कितने छड़ आए, आज तक उस लड़के का किसी को कोई पता नहीं।